नमस्कार, मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं TV24 का खास प्रोग्राम हौसलों की जीत। आज जो हमारे साथ में खास मेहमान हैं, वो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी कम उम्र दराज युवा कलाकार ओजस्वी आरू साहू जी हमारे साथ आज हैं। आज उनसे बात करेंगे और उनके गाने भी आज हम आपको TV24 के अपने इस खास प्रोग्राम में आपको जरूर सुनवाएंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं आरू का। आरू, आपका TV24 के खास प्रोग्राम हौसलों की जीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम और मेरा जय जोहार जी। तो जैसा कि अब आरू से हम सबसे पहले तो हम आरू से जानना चाहेंगे कि आपके इस सफर की शुरुआत आपने कैसे की। मैं छोटी सी थी, क्लास नंबर 2 में थी, तब से मैं गाना गा रही हूँ। और बाकी मैं बोलूँ स्टेज शो और मेरे एल्बम्स के बारे में, तो ये सब क्लास 5 से मेरा शुरू हुआ। अभी मैं क्लास 10th में, लगभग 3-4 साल हो गए इस फील्ड में आए हुए। और छत्तीसगढ़ी गाने लगभग मेरे 150 से 200 आ गए हैं, और हिंदी एल्बम्स भी कुछ हैं मेरे यूट्यूब चैनल और बाकी दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बस ये कुछ हुआ था, एक अचानक सा एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरा एक वीडियो वायरल हो गया था, उसी के कारण आज मैं आप सभी के बीच बैठी हूँ। तो आप जैसे कह रही हैं कि आपका जो सफ़र है वो एक वायरल वीडियो के ज़रिए जो है वो शुरू हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे कि उस वीडियो में आपने कौन सा गाना आपने प्ले किया था। उसमें मैं छोटी सी थी, बर्थडे पार्टी में गई थी मैं मेरी दीदी के बेटे के, तो बस ऐसे ही 2-4 लाइन गुनगुनाने बोले तो मैं चिड़ैयाला के गोटी मारो, जिसे ममता चंद्राकर दीदी ने गाया है, उस गाने को मैंने निभाया। और अभी आप सभी को 2 लाइन सुनाती हूँ। बिल्कुल। ए गोटी मारो रे सननन जाय, ए गोटी मारो रे सननन जाय, दूसरैया गोटी मारो रे धनीला पड़ जाए, चिड़ैया लाके गोटी मारो, चिड़ैया लाके गोटी मारो भाजीपुर मुचटी जवानी के जिंद, चिड़ैया लाके गोटी मारो। बिल्कुल, इतना प्यारा गाना आपने गाया, ऑब्वियसली इतना प्यारा और इतनी अच्छे सुर के साथ में, तो वो तो वायरल होना ही था। और आपकी जो प्रतिभा है उसे लोगों ने देखा और सराहा भी। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने अभी ममता चंद्राकर दीदी का नाम आपने लिया, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके गुरु, आप किसे अपना प्रेरणा मानती हैं? और जैसे ममता चंद्राकर जी हैं, तो उनका सबसे फेवरेट गाना आपको कौन सा पसंद आता है? वैसे तो मैं सभी को अपना गुरु मानती हूँ। हमेशा मैं किसी से भी मिलती हूँ, कोई भी बड़े कलाकार हो, मैं उनसे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेती हूँ कि वो गाना कैसे परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, या फिर कुछ मुझे डाउट होता है तो उनसे पूछ लेती हूँ। और भी कुछ जैसे कि मेरे मन में सवाल हो वो मैं उनको पूछ लेती हूँ। बाकी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान दिया है, जैसे कि चंदना सेन मैम है और ताम्रकर सर हैं और मूर्ति सर है, ऐसे बहुत सारे सर हैं और बहुत सारे मैम हैं जिन्होंने मुझे संगीत के बारे में ज्ञान दिया। बिल्कुल। तो जैसे हम बात कर रहे हैं ममता चंद्राकर जी की, तो आप
आपको ममता चंद्राकर जी वैसे तो काफी फेमस हैं और लोक गायिका हैं, तो आप भी एक लोक गायिका हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ममता चंद्राकर जी के इतने सारे गानों में से आपका फेवरेट गाना कौन सा है? माटीला छोड़े जाने जाना। तो हम उसके दो बोल आपसे सुनना चाहेंगे। गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा। माटीला छोड़े जाने जाना, माटीला छोड़े ते हा जावा था जा रे बेटा, जल्दी तेला हुट के आना। लाला जल्दी तेला हुट के आना। इही माटी मर बेटा खेले कूदे हावसगा, माटी के कर जा चुकाना। लाला जल्दी तेला हुट के आना। बहुत प्यारे बोल और बहुत ही प्यारा आपने ये गाना प्ले किया है। आपसे जानना चाहेंगे अरु कि जैसे हर बच्चा जो होता है वो एक सपना होता है कि बड़े होकर के उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपका भी क्या यही बचपन से यही सपना था कि आपको सिंगर ही बनना है, या फिर आपके जो वीडियो आपने कहा जैसा कि आपके सफर की शुरुआत जो है वो एक वीडियो वायरल होने के बाद से ही आपको एक पहचान मिली है एज अ सिंगर, तो आपका शुरू से ही ये चीजें थी कि आपको सिंगर ही बनना है, या वीडियो वायरल होने के बाद में आपने ये सोचा? वैसे तो अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा है कि मैं फ्यूचर में क्या बनूंगी, और वैसे मेरी मम्मा बोलती हैं कि जो चीज़ लोगों को बड़े होने के बाद बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद हासिल नहीं होता, वो चीज़ तुझे खुद से गॉड गिफ्टेड मिल रहा है, तो उस चीज़ को जो है उसकी वैल्यू रखनी चाहिए हमें, और उसे निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसे जो है अगर हम इग्नोर कर देंगे या फिर इसके पीछे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसके आगे उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर ये तो एक उस कला के लिए, उस चीज़ के लिए भी एक क्या बोलते हैं, शब्द नहीं आ रहा है, मतलब एक अपमान अपमान होगा। तो इसीलिए अगर मुझ में कुछ कला है जैसे कि सिंगिंग की, तो उसे मैं अभी फोकस कर रही हूँ और आगे बढ़ा रही हूँ, और बाकी तो मैं स्टडीज में भी बहुत अच्छी हूँ, और सोचेंगे बड़े होके क्या बनना है। जैसा कि आरू ने बताया कि उन्हें मैथ्स जो है वो बहुत कम पसंद आता है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, लेंदी प्रोसेस होता है, और अभी उन्होंने फिलहाल डिसाइड नहीं किया है कि वो आगे चलकर कौन सा सब्जेक्ट वो लेने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आप जो है अब सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, तो आप जब स्कूल जाती हैं तो आपके टीचर्स और आपके फ्रेंड्स का आपके साथ में किस तरह का बिहेवियर होता है? एज अ आपको गेस्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है या फिर नॉर्मल ठीक स्टूडेंट? वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं एक्चुअली गांव से हूँ, हमारा जो घर है सिहावा नगरी, नगरी के 8 किलोमीटर पहले पड़ता है, और वहाँ तो ऐसा कुछ ट्रीट नहीं होता कि हाँ भाई सेलिब्रिटी, ऐसा नहीं। मैं नानचुन लड़का हूँ और मैं अपन गांव में बिंदास घूमता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि सेलिब्रिटी अक्सर ये देखा जाता है ना कि जब हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो आपको एक अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट आपको दी जाती है सारी चीज़ें, तो ये अच्छी बात होती है कि इंसान कितने बड़े पद पर भी चले जाए और फिर आप ना चाहते हुए भी आपको वो डेकोरम जो है वो मेंटेन करना पड़ता है सारी चीज़ें, तो आपकी कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटी होते हैं उनका एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ एक अलग हो जाता है, बट आपके साथ में ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी फेमस होने के बावजूद भी आज आप गांव में आराम से फ्री हो करके अपने मन के इच्छा अनुसार आप घूमती हैं सारी चीज़ें। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप गांव की आपने बात की है तो हम गांव से रिलेटेड आपसे एक प्यारा सा गाना आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। क्या है, हमारे गांव में एक दादाजी हैं जो कि बहुत अच्छा रामायण करते हैं, तो उन्होंने गाना लिखा है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। गाँव के तितिर जंगल झाड़ी, गाँव के तितिर जंगल झाड़ी, नदी नरवा बोहावा तेना, हमर गाँव मा चिराई मन रामायण गीता गावते, हमर गाँव मा
हमर गाँव माँ चिड़ै मन रामायण गीता गावत हमर गाँव माँ नगरी सिहावा के डोंगरी ऊपर माँ श्रृंगिरि सिंह के पावन धाम है दशरथ जी के संसोहरे खाते हवन करिन है तभे जन्म श्री राम है सप्तऋषि मन युग युगले ओ सप्तऋषि मन युग युगले एकर महिमा गावत ना हमर गाँव मा चिराई मन रामायण गीता गावत हमर गाँव मा हमर गाँव मा चिराई मन रामायण गीता गावत हमर गाँव मा। गाँव के परिदृश्य को लेकर के आपने इतना अच्छा भजन और गाना आपने गाया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी रामलला जो है वो पधारने वाले हैं, तो हम राम के ऊपर में आपसे कुछ गाना आपसे सुनना चाहेंगे। अभी हमारे बीच मेरे खुद के YouTube चैनल में रामलला के 3 दिन भजन आ रहे हैं, तो आपको मैं वो सुनाती हूँ। दो जो कि छत्तीसगढ़ी में और एक हिंदी में, पहले हिंदी सुनाती हूँ आप लोगों को। बिल्कुल। द्वार सजाओ रे ना चोरी गाओ रे, द्वार सजाओ रे ना चोरी गाओ रे, लौटे है राम लला सबको बताओ रे, लौटे है राम लला सबको बताओ रे, द्वार सजाओ रे ना चोरी गाओ रे, लौटे है राम लला सबको बताओ रे। और दो जो की है छत्तीसगढ़ी में, तो एक मैं आप सभी को सुनाती हूँ। ऐसे रचना रचाए चोला गद हो गे मोर, ऐसे रचना रचाए चोला गद हो गे मोर, कुंवर कुंवर पावला राम धुवन देना तोर, कुंवर कुंवर पावला राम धुवन देना तोर, ऐसे रचना रचाए चोला गद हो गे मो। और एक जो है कुछ अलग टाइप का हमने बनाने की कोशिश की है, कुछ अलग अलग धुन में ये बन रहा है, और आप सभी को मैं सुनाती हूँ। जी हाँ सीता राम बिराजे ना चलो चलो अवधपुर धाम, जी हाँ सीता राम बिराजे ना राम बिराजे ना सीता राम बिराजे ना राम बिराजे ना सीता राम बिराजे ना चलो चलो अवधपुर धाम, जी हाँ सीता राम बिराजे ना। बहुत बढ़िया आपने ये गाना गाया। अब क्योंकि राम 22 तारीख के रामलला की स्थापना दिवस है और उसमें आपके ये 3 एल्बम आ रहे हैं, तो TV24 की तरफ से आपको आपके भविष्य के लिए और एल्बम के लिए जो है शुभकामनाएं। जैसा कि आरू अभी हम बात कर रहे थे कि रामलला पे, और आपका रामलला से रिलेटेड जो है आपके 3 सॉन्ग अभी लेटेस्ट आपके अपकमिंग है, और जिसमें से 2 छत्तीसगढ़ी और 1 हिंदी आपने बताया, और आपने गा के भी उनके कुछ बोल आपने सुनाए हैं, तो आपसे आपका फेवरेट लोकगीत जो आपका ही हो आप ही के आवाज में सुनना चाहेंगे। तो अभी अभी मेरा एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए गीत आया है हमारा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल में, वो मैं आप सभी को सुनाती हूँ। बिल्कुल। महु तो तोर को रखे दाई नाना कून डुहरू फुलवा, महु तो तोर को रखे दाई नान कून डुहरू, छतराए के पहले टोर डारे वो ओ दाई, कैसे मोला छोड़ डारे वो, छतराए के पहले टोर डारे वो ओ दाई, कैसे मोला छोड़ डारे वो।
अब मैं दर्शक से कहना चाहूंगी कि यदि वो आरू के फैन है तो वो जरूर आरू के यूट्यूब चैनल पर जा करके उनके गानों को पसंद करें। तो मैं आरू से कहना चाहूंगी कि आप एक बार अपने यूट्यूब चैनल्स का नाम आप एक बार बता दें। मेरा एक यूट्यूब चैनल है आरू साहू, जिसमें सारे छत्तीसगढ़ी हिंदी गीत आते हैं मेरे, और एक चैनल है आरू की जुबानी जिसमें व्लॉग्स वगैरह आते हैं और कुछ कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए मैं डालती रहती हूँ। जैसा कि आरू ने अपने यूट्यूब चैनल्स का नाम आप लोगों को बता दिया है, और मुझे पता है कि वैसे तो आपके खूब फैन हैं, और जो नहीं है अब आपका जरूर जो है आपके यूट्यूब चैनल्स पर जा करके लोग जो है वो आपके गाने जरूर सुनेंगे। तो अब जैसे गानों की बात हो रही है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सारे सिंगर हैं, छत्तीसगढ़ी हो चाहे बॉलीवुड हॉलीवुड के हों, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है जिनके साथ आप भविष्य में एक सपना हो कि भविष्य में मैं इस सिंगर के साथ में गाना चाहिए मुझे, तो ऐसे कौन से सिंगर हैं? तो मैंने सभी को फॉलो किया है थोड़ा थोड़ा, जैसे कि नेहा कक्कड़ जी का जो अंदाज है गाना गाने का, और अरिजीत सिंह जी का जो टेक्सचर है, जो वो गाते हैं जो लोगों के दिल में एकदम लग जाता है, और राहत फतेह अली खान जी का जो मुर्कियाँ लेना और जो हाई नोट्स के गाने गाने, और लता मंगेशकर जी का भी अंदाज जो है आज पूरे विश्व में दीदी के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे ही सभी से मैंने छोटे छोटे जो है ज्ञान लिए हैं सुन के और देख के। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती, अब भगवान की मर्जी जिसके साथ मुझे गाना गाने के लिए मिल जाए। बट एक होता है सपना कि यदि आप किसी इसमें जाते हैं तो एक होता है कि नहीं मुझे, काश मुझे इनके साथ में गाने का मौका मिल जाए। अब तो जैसे कि मैं किसी सेलिब्रिटी के कॉन्सर्ट पे गई, जैसे कि मैं जाते रहती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो कैलाश खेर जी के कॉन्सर्ट पे मैं गई थी चंदखुरी, तो वहाँ अब उन्होंने हम लोग नीचे बैठे थे तो उन्होंने बोले कि कुछ कुछ गर्ल्स आ जाए, फिर हम लोग गए ऊपर तो लोग मेरे को देख के पहचान लिए, फिर आरू आरू आरी हुडिंग लगा रहे थे। जब हम लोग नीचे उतरे तो फिर आरू आरू आरी हुडिंग लगा रहे थे, तो ऐसा मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे भी क्योंकि मैंने एक छत्तीसगढ़ी रीमेक बनाया उनका जो गाना है सैया, तो उसको मैंने मैया छत्तीसगढ़ी माता को डेडिकेट करते हुए एक छत्तीसगढ़ी गीत पे उसे ढाल दिया, तो वही मैं उनको सुनाना चाह रही थी। तो बस ये, तो अभी आपने जिस गीत की बात कही है तो हम वो गीत भी आपसे सुनना चाहेंगे। थोड़ा सा गला खराब है, माफ करिएगा, सर्दी खांसी, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ ही मैं गोठिया हूँ, मैं तो तोरे जस लगा हूँ, मैं तो तोरे लैका ते हास मुरदाई मैया धान के तुर मान के गुन गावो मैं छत्तीसगढ़ दाई मोर तुर लागला चुकावो मैं तुर नाव के जस गावो मैया मैया। जैसा कि आरू हम अभी आपको सुन रहे थे तो आपने कैलाश खेर का तो आपने गाना सुनाया, बट हम जब उसे सुन रहे थे तो आपका जो आवाज है मुझे लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं नेहा कक्कड़ को भी सुन रहे हैं। तो हम नेहा कक्कड़ का गाना यदि आपको कुछ याद हो, कुछ बोल याद हो तो हम आपके आवाज में सुनना चाहेंगे। उनका काफी समय पहले वाला गाना एक
दो लाइन में आप लोगों को सुनाऊंगी। बिल्कुल। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पास के रहे तेरे दिल में मगर, तेरी धड़कन तक ना जा सके, जुड़ के भी टूटी रही इश्क दी डोर, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर, वे माही वे मोहब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे, ओ माही वे मोहब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे ओ अस की करिए, किस्मत दे किस दा जोरे, माही वे। बिल्कुल सही पहचाना था कि आपकी आवाज कहीं ना कहीं जो है वो नेहा कक्कड़ के साथ में बहुत मैच करती हैं। तो अब जैसे गाने की हम बात कर ही रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में सबसे ज्यादा आप किसे, मतलब किसका ज्यादा आपको सहयोग मिलता है, मामा का या पापा का? क्योंकि ऑब्वियसली ये होता है कि मामा पापा तो बाहर जॉब पे जाते हैं और सबसे ज्यादा ख्याल जो है वो माँ ही रखती है, क्योंकि सुबह से माँ की दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा आपका ध्यान कौन रखता है? जैसे पेरेंट्स तो दोनों ही रखते हैं सारी चीजें, बट फिर भी ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। अब मैं बोलूं तो मम्मा से बचाने वाला काम तो पापा करते हैं, और बाकी अगर मैं किसी चीज के लिए बैठ जाऊं तो मैं उसको करके ही उठती हूँ, और बाकी आलसी तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, जहाँ तक कि लोग बोलते भी हैं कि म्यूजिशियन या फिर सिंगर जो है थोड़े आलसी होते हैं, बस वही मेरे कुंडली में भी लिखा हुआ है, और लिखा ये भी है कि मेरा संगीत में रुचि ज़्यादा होगा। तो संगीत को लेके मम्मी भी बहुत टोकते रहती हैं कि रियाज कर, मेरे को जो है मैंने आपको बताया ही, तो सुबह जल्दी उठने के लिए थोड़ा आलस करती हूँ, और बाकी अगर जिम्मेदारी आ जाती कि हाँ पेपर है उठना पड़ेगा तो उठ जाती हूँ। और जैसे कि आज था मेरा डेरे में शब्द पाठ का, तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी 5 बजे और रियाज की लगभग 2 घंटा ओम आउल गया। उसके बाद डेरे में शब्द पाठ करके अभी इंटरव्यू दिला रही हूँ, तो थोड़ा नींद भी आ रहा है। ओहो, तो जैसे कि हम सुबह सुबह जो है अलार्म लगा करके हम उठते हैं, और जहाँ तक आपका जो अलार्म है वो आपकी मम्मी के डांट से होता होगा, क्योंकि आपने कहा कि आप थोड़ी सी आलसी हैं, तो आंटी ही जो है वो आपको उठाती होंगी, आरू चलिए उठिए अब रियाज के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अलार्म बजता है लेकिन मैं इग्नोर कर देती हूँ उसको, तो इधर से आवाज उठ ऐसा टाइप का, तो उससे जो है डर लगता है और फिर हम उठ जाते हैं। मतलब आंटी का खौफ बना हुआ रहता है बिल्कुल, और बहुत जाहिर सी बात है क्योंकि माँ ही जो घर पे। और इधर अपोजिट में मैं आपको एक बता दूं, तो अलार्म बजता है पापा को भी कंजट लगता है, तो पापा बोलते हैं अलार्म बंद कर। पापा बोलते हैं सो जा है जो आ रही पापा रही है। ऐसा बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, और फिर 50 लेक्चर ऐसा सुना देंगे, चलो पापा टहल के आओ, मैं नहीं उठाऊं अभी, ऐसा टाइप का। मतलब एक तरफ वो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठनी चाहिए और साथ ही साथ वो अलार्म बंद करके आपके साथ में बिल्कुल सो जाते हैं, और फिर जो आंटी हैं फिर
उनका फिर गुस्सा सातवें आसमान पे होगा कि चलो भाई अब। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को उनसे पहले उठना पड़ता है, क्योंकि मेरे को कभी कभी रियाज और जैसे कि पेपर के समय जल्दी उठ के पढ़ना है, तो ना मैं उठती हूँ, मतलब सब उठ जाते हैं, क्योंकि मैं जो है, और बाकी जैसे कि मम्मा लोग उठते हैं तो उन लोग अपना काम ऐसा निपटा लेते हैं, मैं उठती हूँ तो थोड़ी देर होगा पढ़ते रहूँगी तो मम्मी चाय बनाओ चाय बनाओ, अगर नहीं उठेंगी मम्मी चलो उठो 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 चाय बनाओ, मेरे को चाय चाहिए। क्योंकि चाय सुबह ना मतलब नींद भगाने का एक बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल, चाय तो सबको जरूरी ही होती है, सिर दर्द हो रहा है तो चाय। बिल्कुल, आरू से हमने बहुत सारी बातें कर ली, उनके बहुत सारे गाने सुन लिए। अब जाते जाते स्पेशली हम एक गाना आपसे सुनना चाहेंगे आरू, जो आप अपने फैंस के लिए आप गाना चाहें, ऐसा कौन सा गाना है जो आप अपने फैंस को डेडिकेट करना चाहेंगे? तो मैं छैया मैया गाना गाना चाहती हूँ फ्रेंड्स और छत्तीसगढ़ के लिए। छैया भुइया माजा के मोर मन सुरता थे, धान कटोरा सब येला कही के बोला थे, मोर छत्तीसगढ़ हा छैया भुइया ये ले पाए गोबर मा चकाचक कुरिया है। छैया भुइया माजा के मोर मन सुरता थे, धान कटोरा सब ये कही के बोला थे, मोर छत्तीसगढ़ हा छैया भुइया ये ले पाए गोबर मा चकाचक कुरिया है। बहुत सुंदर आपने ये गाना छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में आपने गाया, और व्यूअर जो है और जो हमारे दर्शक हैं उन्हें ये गाना जरूर पसंद आएगा, क्योंकि आपने ये गाना स्पेशली उन्हें डेडिकेट किया है। आरू, आपने इतना कीमती समय आपने निकाल करके हमें इंटरव्यू दिया, अभी आपके शायद आपको कहीं जाना भी है, आपका शाम के एक इवेंट है, तो आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में आपने इतना अच्छी बातें और इतनी अच्छी अच्छी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में और खासकर राम जी के लिए जो आपने आपके जो अपकमिंग 3 सॉन्ग आपने यहाँ पर गाए वो बहुत ही अच्छे हैं। और एक बार मैं फिर अब दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आरू के जो 3 एल्बम अभी आने वाले हैं आप उन्हें सुने और ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाइक करें शेयर करें। और आरू, खैर आपके तो इतने फैन हैं तो ऑब्वियसली आपके जो गाने हैं खासकर राम को लेकर के वो काफ़ी फेमस हो, तो TV24 की तरफ से आपको अग्रिम बधाई, और आपने इतना कीमती समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी मेरा धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आरू साहू को, जो छत्तीसगढ़ की फेमस लोक गायिका है, जो बहुत ही कम उम्र में अपना नाम रोशन की है, अपने हौसलों के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अगली बार मैं ऐसे ही कोई खास शख्स के साथ में एक नई जगह पर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV24। नमस्कार।